नमस्कार साथियों, गुजरात में पावागढ़ और पावागढ़ से आगे 25 किलोमीटर पर जंगल के अंदर जन हनुमान करके बहुत ही प्राचीन मंदिर आया हुआ है। और आप तो जानते हो कि बजरंग बली यानी कि बंदर, तो यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, उतने बंदर हैं आपने कभी सोचे नहीं होंगे। लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, मैं जब वहाँ पहुँचा यहाँ पर एक पुराना अनाज की चक्की भी है, बहुत पुरानी, आज से जब अनाज को पीसा जाता था वो, और बहुत बड़ी है। कहा जाता है कि जब महाभारत के समय में पांडवों को अज्ञातवास मिला था तब यहाँ पर रुके थे, उन्होंने ये बजरंग बली की मंदिर की स्थापना की थी और उस चक्की से वो आटा पीस के अपना गुजारा करते थे एक ज़माने में। जंगल के बीच में है, ये जंगल ही है और बहुत सारे जानवर और भी यहाँ कभी कभी दिख जाते हैं। तो ये जो बंदर जंगल के बीच में है यहाँ पर, तो हमने जाके क्या देखा कि इस बंदरों को कुछ खाने को यहाँ नहीं मिल रहा है, इनकी हालत इतनी कठिन थी। हमने देखा कि किसी ने वहाँ पर आटा डाला था जमीन पर, आटा तो बचा नहीं था, लेकिन जो आटा पत्थर से चिपका हुआ था उसे वो अपनी जीभ से चाट चाट के खा रहे थे। अब आप सोचो कितनी हालत बुरी होगी, भूख कितनी बड़ी चीज़ है, वो देख के मुझे उनकी दया आ गई। तो हमारे पास कुछ 15-20 पराठे बचे थे तो हमने वो खिला दिया, बिस्किट बचे थे घी में बनाए हुए दिवाली के फेस्टिवल में वो खिला दिए, और जो भी था वो खिला दिया। एक ये जो हमारे पास वो बच्चों के खाने के लिए लेके गए थे पूरी बोरी भर के, ये बोरी हमने खिला दी। उसके बाद भी मुझे लगा तो मैंने वहाँ केले लेने की कोशिश की, लेकिन केले उतने महंगे थे कि मैं कुछ ही खरीद पाया। फिर मैंने वहाँ पर एक होटल से, वहीं पर होटल भी है, वहाँ से मकई की रोटी खरीदी। तो उस होटल वाला बहुत अच्छा था, उसने मेरा डिस्काउंट कर दिया, एक रोटी उसने मुझे 20 रुपये की दी, वैसे तो वो 30 रुपये की बेचते हैं। तो वहाँ जितनी रोटी वो बना पाया और मुझे दे पाया उतनी रोटियाँ भी मैंने इन बंदरों को खिलाई, तब जाके मुझे कुछ सुकून मिला। अच्छा काम करने से हमेशा सुकून मिलता है। तो आप भी अगर कभी जन हनुमान जाते हो ना, तो पहले से प्लानिंग करो, हो सके उतनी रोटियां घर से बना के जाओ यार। वहां पर होटल है, खाना मिलता है, लेकिन बंदर के लिए महंगा पड़ेगा। और इतने सारे बंदरों को आप खिला नहीं पाओगे, बहुत खर्चा हो जाएगा। तो अच्छा है घर से ही बहुत सारी रोटियां बना के जाओ, और इन प्राणी को, ये हनुमान जी के भगत को आप खिलाना चाहते हो तो वो खाएंगे। उतनी तादाद में है यहाँ पर कि आपकी रोटियाँ कम पड़ जाएगी। वहाँ पर कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो आप अपने घर से प्लानिंग करके बना के ज़रूर जाओ और इन बंदरों को ज़रूर खिलाओ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। जय श्री राम।